हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल सारिया नूं। अज दी वीडियो विच तुहानूं जानकारी देण जा रहे हां, तुसीं सबसिडी दा जां किसे भी स्कीम दा लाभ नहीं लै सकते जेकर तुहाडे कोले इह कार्ड नहीं हैगा। उह कार्ड किहड़ा हैगा उस बारे तुहानूं डिटेल दे विच जानकारी देण जा रहे हां। नवें जुड़े हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। तां दोस्तों इत्थे तुहानूं दस दईए कि हुण जिहड़ा मंत्रालय ने एक सर्कूलर जारी कीता हैगा, उह मंत्रालय दे मुताबक जेकर तुहाडे कोले वो कार्ड नंबर नहीं हैगा तो तुसी स्कीमां दा लाभ हुण नहीं लै सकदे। तो तुहानू इत्थे दस दईए कि जदों तुसी रजिस्ट्रेशन करवाउने हो तो तुसी रसीद ते रजिस्ट्रेशन करवा लैंदे हो, पर तुहानू नंबर नहीं मिलिया हुंदा। नंबर हुंदा हैगा आधार कार्ड नंबर। जेकर तुहानू आधार कार्ड नंबर नहीं मिलदा तो तुसी स्कीम दा लाभ लैना चाहुंदे हो तो तुसी स्कीम दे लई तुसी एक तुसी अपनी रसीद ते अपलाई कर दिंदे हो तो तुसी स्कीम दे विच की हैगा अपलाई तो हो जाने हो पर तुसी लाभ नहीं लै सकते। तुहानू सबसिडी नहीं आनी जां किसी भी तरह का कोई पैसा तुहाडे तक नहीं पहुँचना जेकर तुहाडे कोल आधार कार्ड नहीं हैगा। तो तुसी जेकर आधार कार्ड की किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जां कोई करैक्शन है तो तुसी जिहड़ा उहदे विच सही जरूर करवा लो, तो एक अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड नाल लिंक जरूर करवा लो तो बैंक खाते नाल, फिर ही तुहानू स्कीमां दा लाभ मिलना हैगा। नहीं तुहानू स्कीमां दा लाभ है जिहड़ा उह बंद हो जाएगा तो तुहाडे खाते दे विच पैसे सरकार ट्रांसफर नहीं करेगी। तो तुसी ये चीज़ का ध्यान रखना, तुसी अपना आधार कार्ड एक बार वेरीफाई जरूर करवा लो, जेकर नहीं बनाया तो वह भी जरूर बनवा लो। फिलहाल तुहाडे लिए इन्ना ही, धन्यवाद।